आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने फ़ोन में YouTube में वीडियो देख रहे हैं, अब क्या होगा कि YouTube में वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते YouTube बंद हो गया। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि आप लोग PicsArt से फ़ोटो एडिट कर रहे हैं तो PicsArt ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। और ये प्रॉब्लम इतनी छोटी सी है कि अगर एक बार होना शुरू हो गया तो बार बार होगा, दोबारा से आप चालू करेंगे फिर से फोर्स स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग में। आप सेटिंग में जाइएगा, ये रहा आपका सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एप्लीकेशन में। मुझे नहीं पता आपका फ़ोन कौन सा है, आपके फ़ोन में क्या सेटिंग है, लेकिन आपको वहीं पर जाना है जहां पर आपके फ़ोन में सभी एप्लीकेशन एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से। तो आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ही फोर्स स्टॉप हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, उस एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए ये रहा यूट्यूब, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जाना है स्टोरेज में, ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसके डाटा को क्लियर कर देना है। मैंने अभी क्लिक किया हुआ है इसी वजह से यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आप गूगल क्रोम ब्राउज़र चला रहे हैं तो आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पर आइए स्टोरेज में जाइए। स्टोरेज में जाने के बाद मैनेज में जाइए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर ऑल डाटा, इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ से पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा और आपका क्रोम ब्राउज़र फर्स्ट स्टॉप नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को ठीक कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाजू में आपको एक छोटा सा मतलब घंटी का आइकन मिलेगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।